अच्छा हम मेजरमेंट देखेंगे। व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट का लफ्ज मतलब है पैमाइश। क्या पैमाइश? डेली बेस पे भी हम मेजरमेंट लफ्ज यूज करते हैं। क्या आप इसको मेजर कर रहे हैं? आपने कितनी मेजरमेंट की, कितनी पैमाइश की है, या कपड़ों की, कोई और चीज है आइटम की, तो हम ये डेली बेस पे भी ये चीज यूज करते हैं। अच्छा, एक और जनरल चीज वो ये, सिर्फ और सिर्फ ये चैप्टर साइंस तो बहुत, और भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मैथ्स आता है, केमिस्ट्री है, बायो है, इसके अलावा और बहुत सब्जेक्ट है। किसी में भी एक चैप्टर मेजरमेंट नहीं होता, सिर्फ फिजिक्स में एक चैप्टर है, वो है मेजरमेंट। तो जब भी पैमाइश, आप देखिए ना, पैमाइश तो हम केमिस्ट्री में भी करते हैं। देखोगे मोलैरिटी, मोलैरिटी और काम जो मैथमेटिक्स है वो भी यूज करेंगे। आप लोग बायो में भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप मेडिकल में जाइए, बीबीएस में, मतलब मैथमेटिक्स अपने एक सब्जेक्ट है, आपने पढ़ाते हो। तो मेरा मतलब इस चीज से है कि हर सब्जेक्ट के लिए एक बेस वो फिजिक्स मुहैया करता है, वो है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट हर सब्जेक्ट में मौजूद है, लेकिन डिस्कस कौन करते हैं? तो हमारा चैप्टर है मेजरमेंट। इसमें हम सारा कुछ नंबर से हमारा डिस्कशन होगा, क्वांटिटी के साथ हमारी डिस्कशन होगी, ठीक है। यस सर। तो पहले आते हैं व्हाट इज मेजरमेंट। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं, बाकी सब्जेक्ट के लिए मेजरमेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो मेजरमेंट क्या चीज है? दो चीजें हमारे पास, एक नोन, एक अननोन। नोन चीज, नोन चीज से हम अननोन चीज को मालूम कर सकते हैं। पहले मिसाल जरा देखें। लेट सपोज हमारे पास कोई फिजिकल बैलेंस है। फिजिकल बैलेंस समझते हैं? हम जो बैलेंस है तराजू, इसमें दो पड़े होते हैं, ये एक दरमियान में इसका सपोर्ट, ये बैलेंस होता है, ये एक पड़ा, इस तरह से ये दूसरा पड़ा। यस सर। एक में हम कोई कुछ ग्राम वगैरह में हम कुछ एक चीज रखते हैं। दूसरी साइड पे आपको कुछ चाहिए, आप दुकानदार के पास जाए, लेट्स सपोज पोटैटो है, ऑनियन है, कोई और चीज है, वेजिटेबल हो या फ्रूट हो। और जरा देखें, एक चीज यहाँ पे अननोन हो गई, ये क्या है? अननोन। और ये क्या है? नोन। तो नोन, अब देखें, जब तक ये दोनों सेम ना हो, आपको जो दुकानदार है वो आपको आलू या प्याज नहीं देते। ऐसा नहीं थी जिसका आपने अगर कहा कि मुझे 2 kg पोटैटो चाहिए, तो आपको 2 kg यहाँ पे वो डालेगा वो चीज, ठीक है, जो जिसे आप स्टैंड कर देते हैं। तो आप वो पोटैटो डालता जाएगा, ऑनियन डालता जाएगा, कोई फ्रूट है। तो जब तक ये सेम हो, बराबर हो, फिर इसके बाद आपको देगा कि ये आपका पोटैटो। तो आप कितने पोटैटो हो गए? लेट्स सपोज अगर आपने 2 kg का कहा, तो आपको कितने पोटैटो मिले? 2 kg मिले, ना 3 kg मिलेगा, ना इससे कम, ना 1 kg मिलेगा, ना 3, ना ज्यादा ना कम। तो आप देखिए ना, हमने क्या किया? बराबर, हमने कंपैरिजन मुआज़ना किया, किन चीज का, किन चीज का मोहर लगे, किन चीजों का ग्रामर। देखिए अननोन, नोन चीज के जरिए, नोन ही मालूम, के जी तो मालूम है ना, सब दुकानदार के पास होता है, तो ये मालूम चीज है। अब इस मालूम चीज से हमने अननोन जो पोटैटो ना मालूम थे, पूरी पूरी बुरी रखी थी, अब सारे तो आपको नहीं देगा वो, सारे देगा नहीं, आपको तो 2 kg चाहिए, तो अपने लिमिट के मुताबिक आपको देगा वो। तो अननोन को हमने नोन के जरिए मुआजना किया, कंपैरिजन किया, मुकाबले किए इन दोनों का। इस प्रोसेस को हम कहेंगे हमने पैमाइश किया सर। तो जब भी पैमाइश की बात हो, तो पैमाइश में 2 चीजें जरूर होंगी, एक तो वाजिबन लाजमन क्या चीज होगी? नोन, मालूम, कोई स्टैंडर्ड चीज होगी। ये नोन चीज क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड क्या बना है? स्टैंडर्ड को हम एक और नाम देंगे, वो है यूनिट। क्या? यूनिट।
यूनिट, यूनिट क्या चीज, ऐसा शय, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बॉडी जिसके जरिए हम अननोन चीज को मालूम करें, जिसके जरिए हम अननोन चीज, जरा देखें केजी, केजी के जरिए हम अननोन चीज को टाइटल ऐसे मालूम कर रहे हैं। मीटर, गज जिसे हम कहते हैं, अब गज मीटर ये नोन है, मालूम है ना, जिसके जरिए हम क्या माया करते हैं, हम कपड़े को नापते हैं ना, जो दुकानदार होता है वो क्लॉथ किस के जरिए नापता है, गज के जरिए ही नापता है। अब देखे ना, वो चीज या एक ऐसी चीज जिसके जरिए हम अननोन चीज को मालूम करें, उसका मेजरमेंट करें, उसकी कंपैरिजन कराएं, तो उस नोन चीज को हम क्या कहेंगे। अब जरा ये देखिए, ऐसा कोई दुकानदार है वो कहे मैं ये गज को नहीं मानता, नहीं हर कोई मानेगा। यस सर, कपड़े का दुकानदार के पास गज होगा, अभी तक कुछ नहीं गया, मैं गज को नहीं मानता, मैं अपनी तरफ से कुछ नया लेके आऊंगा। या कोई और जो वेजिटेबल और फ्रूट का दुकानदार है और वो कहे कि मैं इस किलोग्राम को नहीं मानता, मैं कोई और नई चीज लेके आऊंगा, हो सकता है इस तरह से नहीं। तो इसका मतलब है ये स्टैंडर्ड चीजें हैं, ये सबको माननी पड़ेंगे, ये हर दुकानदार के पास होगा, न आपका कोई इतराज है ना उसका। आपने अभी तक कुछ कहा है कि मुझे इससे ना मैयर करें, किसी और चीज से मैयर करें, नहीं। तो ये स्टैंडर्ड चीज हुई, मतलब यूनिट एक स्टैंडर्ड है और स्टैंडर्ड को हर कोई फॉलो करते हैं। स्टैंडर्ड एक ऐसी चीज होती है जिसको लोग फॉलो करते हैं। अब आप देखें, हम आईएमए को मानते हैं, आईएमए हमारे लिए आइडियल है ना, तो आईएमए को हम इसलिए मानते हैं, वो एक स्टैंडर्ड रखते हैं, वो अल्लाह की तरफ से वली है, अल्लाह की तरफ से हुज्जत है, तो हम भी उनको मानते हैं, है ना इस तरह। क्यों, हमारी जैसे नहीं है, हाँ बशर के तौर यहाँ इस दुनिया में आए हैं, लेकिन वो ऐसे बशर नहीं है जिस तरह हम हैं, हमारी गुफ्तार, हमारी रफ्तार, हमारी सोच उनकी सोच जैसा नहीं है। तो वो एक स्टैंडर्ड रखते हैं जिसके जरिए लोग इनके, यही तो कहते हैं ना, अगर आपको हक जानना है तो पहले अहले बैत को, आइम्मा को देखिए, अगर आप उनको समझे तो समझे कि आपको, आपने हक को समझा। देखिए ना, वो नोन चीजें हैं, इसके जरिए हम दूसरों को नाप सकते हैं। अब ये ना देखे किसी के किसी ने किस किस्म के लिबास पहने, क्या दाढ़ी इतनी है वगैरह वगैरह, अगर ठीक है तो समझे फॉलो कर रहे हैं उस स्टैंडर्ड को, अगर ठीक नहीं है तो ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी दाढ़ी है, कपड़े ये वो ये चीजें नहीं, सिर्फ एक चीज देखनी है, आया उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, नहीं। आप उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ यू आर द बेस्ट फॉलोअर ऑफ दैट स्टैंडर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे तो हम हर कोई उस स्टैंडर्ड को यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे डिस्कस करेंगे, हमारा टॉपिक रहेगा कि ये नून चीजें कहां से नून हो गए, किसी ने तो कर ली है ना, ये नहीं कर ली। अब हम अली अलैहि सलाम को अल्लाह का हुज्जत समझते हैं, किसका, अल्लाह ने बनाया है ना, हमने तो नहीं बनाया, ये तो दिलों का ऐसे नहीं है कि हम लोगों को खुद चुनते हैं, बल्कि अल्लाह ने ये चुना है, और ऐसा चुनना नहीं जो लोगों को चुनना है, क्योंकि हम खुद इतराज करते हैं, अभी शहबाज शरीफ ठीक नहीं है, उधर नवाज शरीफ ठीक नहीं है, इमरान खान ठीक नहीं है, तो लोगों की ऐसे गलतियां होते हैं, और अल्लाह की, अल्लाह का सिलेक्शन हुआ बंदा, अल्लाह का सिलेक्शन हुआ वली, ऐसा नहीं होता इंसानों की तरह जिसमें आप उंगलियां उठाए। अब बताइए ना, पूरी पूरी कायनात में कोई उठे अली अलैहिस्सलाम पे कोई इतराज करे नहीं, हाँ कोई दुश्मनी के तौर पर कर सकते हैं, लेकिन अगर जिसका स्टडी हो वो अली अलैहिस्सलाम को जरा स्टडी करे, खुद पता चलेगा बाकी कौन किस तरह, ठीक है। स्टैंडर्ड ऐसे होते हैं जिसमें आप नुकता नहीं उठा सकते, इशारा नहीं कर सकते, ठीक है। तो नून चीजें कहां से आ गई वो हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिस्टम इंटरनेशनल देखेंगे। तो नोन चीज के जरिए हम अननोन मैयर कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस इस अमल को हम मैयरमेंट कहेंगे। सो क्या हम कह सकते हैं, अगर कोई पूछे मैयरमेंट क्या चीज है, तो हम कहेंगे हमारा आंसर ये होगा, उर्दू में है पश्तो में कहें, एक नोन चीज के जरिए अगर हम अननोन चीज का कंपैरिजन
मौज न करें तो इस अमल को हम पश्तो में इव मालूम शी सरा इव न मालूम शी तो हम तो मालूम होते नहीं सर अगर है नहीं ये लोग तो इव चूर अदा इंसान के लिए सख्त है ना इव मालूम शी सरा इव न मालूम शी से कला मुआजना कंपैरिजन कहो चूर अदा इंसान के लिए वर्ड देव ना वर्ड के देव ना द अमान देने मु मिसाल मुझे एक लोग हैं वाला वो बता कपड़ों वाला था लोन शी नहीं तो तब तो वही पिंजर का था तो जब हम वो देखा ना सा कपड़ा आरा प्रेग कर लगा बजे ना पक्का ना प्रेग तो दूसरे ना मोड़ी हाँ तो उस बेल ना खबर आते जब तो दूर एक्सपीरियंस हो तो वो दवाई इसे ही मामू मर चला पे ये की फिर तो दूर ले दो उस बेल ना खबर आते हैं मोर बता वो तेरा है दूर गाजा दूर गाजा दूर गाजा पिंजर गाजा ना पिंजर चीज गाजा दोया वर्ष तो रहती मैं चुप खबर कहूँ यूनिट की डिस्कशन कहूँ अगस्ता द पिंज गाजा इंफॉर्मेशन बस मिलो शो वो सगा दसी गई डायरेक्ट बस केंचे रखा ली वो कपड़ा बस ये होने के ही गया वो लगा यो गाज रखा ली तो गाज नहीं बाद खान को सिपड़ी भी गाज से इधर ना दीजिए पूरी ब्रेन मालूम गड़े भी ये सही यो गाज दे रहे कपड़ा रख रहे बस इसी से कहीं बस मालूम होते हैं सब कहीं चार पार बस दे यो गाज शुरू करें यस यस सर रख पड़े ऐसा नहीं पर सही है वो बस किलोग्राम से बाजू खाल कोई सी टेक्निक है इसे मॉल कुड़ी में तीन दिन इसे मॉल खाखता दें ये वो खेल जाना क्या खाखता उसे ये की मियां ना तक किलो इसे मॉल बराबर शो शो उसे तक किलो करने मियां खाखता बताओ रे यू किलो इस्ते में खुद ही की प्रॉब्लम स्टार्ट है ना बस तो खबर कौन सी सेट कर दिशन तो दो इक्वलिटी तक कहीं में कहीं नहीं है बस तो खबर नहीं बनती है नहीं मुकुम नूरा मुखबल जोन दसाना है पैदा कर दे वो कौन केस सिविल ना कैसे सितम हो यार मैंने कहे हम हम यू स्टैंड पर लगी बेल बजती ही मैं आ रहा हूँ अब आप लोग देख रहे हैं उस टाइम से आप वॉच पे नजर डालें उस टाइम से आपका टाइम क्या हुआ शुरू फिर बेल अभी बजने वाला होगा ठीक है अब इसके बाद फिर बेल बजेगा अब देखिए ना दो इवेंट्स हो गए एक स्टार्टिंग पे बेल बजा अब दोबारा बजेगा तो इन दोनों इवेंट्स दोनों पॉइंट अगर ले लें इन दोनों के दरमियान आपका क्या ड्यूरेशन कुछ है ना इसको हम क्या कहेंगे टाइम तो कुछ टाइम तो गुजरा ना अब आप किस चीज की मालूम कर रहे हैं टाइम मेजरमेंट के लिए तो हम कुछ करेंगे ना क्या करेंगे अगर आप कोई पूछे कि आपने कितना क्लास ली है कितनी ड्यूरेशन का क्लास है या कोई कहे कि आप लैंग्वेज जा रहे हैं कंप्यूटर जा रहे हैं तो कितनी ड्यूरेशन का क्लास है तो आप क्या कहोगे 50 मिनट 30 मिनट वगैरह तो आप कैसे मालूम कर रहे हैं वॉच के जरिए यानी वॉच पे अगर हम और डेप्थ में जाए हम टाइम या घंटे में कहेंगे या मिनट में कहेंगे या सेकंड में कहेंगे या अगर और बड़ी बात करें साल की बात करेंगे है ना डेज की बात करेंगे दिन रात की बात करेंगे वीक्स की बात करेंगे तो ये सारे हम किस चीज की बात कर रहे हैं मेजरमेंट तो कर रहे हैं किस चीज की लेकिन टाइम तो क्वांटिटी होगी ना वो हम आगे देखेंगे अब देखें ना नून क्या चीज है घंटा वगैरह तो टाइम हम किस चीज में मालूम कर रहे हैं सेकेंड में और मैं वगैरह वगैरह अब अननोन चीज ये जो हमारा ड्यूरेशन था एक बेल से दूसरी बेल बजने तक ये ड्यूरेशन अननोन था ना कितना था कैसे पता चला और से सेकंड से मिनट से हमें पता चला सर तो देखिए ना अब अगेन हमने क्या किया मेजरमेंट कर दिया समझ रहे हैं और एग्जांपल अगर मैं दे दूं कि आप इस दीवार की लेंथ मालूम करें तो इस दीवार की लेंथ के लिए आप क्या करते हैं कोई चीज तो बनती है ना यस पेटा जिसे हम कहते हैं मीटर टैप तो मीटर टैप आप लोगे अब देखिए मीटर टैप क्या चीज है नोन ये मालूम है हर दुकानदार हर घर में मौजूद है जब भी आपकी कोई चीज की जरूरत पड़ी मेजरमेंट के लिए पैमाइश के लिए डायरेक्ट आप मीटर टैप लेके उसकी मेजरमेंट करते हैं इतना मीटर है इतना मीटर आपके तो देखिए ना यहाँ पे इस दीवार की लेंथ अननोन थी हमारे लिए क्या थी अननोन चीज
अब हमने मीटर टैप लिया, मीटर टैप तो खुद क्या है, नॉन चीज है। अब इस दीवार की लेंथ को हमने मालूम किया बाय यूजिंग मीटर टैप। तो दिस प्रोसेस इज मायर। अब घर में और बहुत सारे एग्जांपल है, घर में बेतहाशा दिन ब दिन यही चीज करते रहते हैं, पैमाइश करते रहते हैं, ठीक है। yes, तो समझे मायरमेंट को। यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा यूनिट क्या चीज हुई,